सो फ्रेंड्स आगे हम होटल कैफे शिमला टाइम्स। ओए हो शिमला की प्यारी प्यारी वादियों में भाई ले आए हैं शॉर्टकट से अंदर के रास्तों में। ये कृष्णा बेकरी, यहाँ पर बहुत बढ़िया पेस्ट्रीज वगैरह मिलती हैं। तो फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू शिमला। हमारे सारे लोग तैयार हो गए हैं और हम निकल रहे हैं शिमला की तरफ। शिमला घूमेंगे मॉल रोड देन अपने घर की तरफ। नहीं नहीं यस लेट्स गो। हम निकल चुके हैं भाई शिमला के लिए। चलो जी चलो, क्या वेदर हो रहा है। ऑसम ऑसम वेदर हो रखा है, बादल ही बादल। हाय हाय क्या व्यू मस्त। अपनी जो प्रॉपर्टी थी नेचर विला बहुत बढ़िया थी, एकदम शांत जगह पे। सर्विसिंग बहुत अच्छी थी, जो उन्होंने खाना सर्व करा वो खाना बहुत टेस्टी था और साथ ही साथ जो वहाँ का व्यू था वो भी बहुत अल्टीमेट था। सामने से पूरे पूरे आपके एप्पल के बाग थे और वो चीज़ों को देखने का हमारा एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा। अब आगे चलते चलेंगे और आपसे बातें भी करते चलेंगे और व्यू दिखाते चलेंगे। ये देखिए क्या नज़ारे हो रहे हैं भाई। ओ हो सब बढ़िया बढ़िया व्यू। ओ हो दिल खुश कर देता जी पाजी। मैं वही कहना चाह रहा था कि हम जैसे शिमला आते हैं ना, तो शिमला में स्टे ना करके शिमला सिर्फ घूमें और स्टे करें ऐसी जगह पे जहाँ पर हमारे को नेचर से बिल्कुल करीब हम उसको महसूस कर सकें। क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पर कंजेस्टेड होने की वजह से कुछ है अच्छे रिजॉर्ट्स भी हैं बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। अब यहाँ पर जो हमारे को 2000 रुपीज़ पर पर्सन रहा जिसमें हमारा फूड्स इंक्लूडेड था, सो ये अच्छा पैकेज था और रूम्स एकदम नीट एंड क्लीन थे, बहुत बढ़िया व्यू था और सर्विस बहुत अच्छी थी जिसको हमने इंजॉय किया। और अब हम निकल चुके हैं शिमला की तरफ। शिमला पहुंचेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत वहाँ घूमेंगे मॉल रोड वगैरह और बाकी का जर्नी वहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने घर के लिए। ओहो शिमला की प्यारी प्यारी वादियों में भाई ले आए हैं शॉर्टकट से अंदर के रास्ते में। अंदर के रास्ते बड़े प्यारे लग रहे हैं यार, क्या मस्त है, एकदम कारवाई आते हैं। लेकिन व्यू बहुत अल्टीमेट है भाई, क्या मस्त मज़ा आ रहा है। हाय हाय दिल खुश हो गया भाई। सो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए हैं शिमला। लिफ्ट में जाएंगे और यहाँ लिफ्ट से जाने के लिए ये कॉरिडोर बना हुआ है। आगे थोड़ी टिकट लगती है एक, जिसके बाद आप लिफ्ट में बैठ के सीधा मॉल रोड पे पहुंच सकते हैं, नहीं तो आपको स्टेयर से या फिर बाई रोड जाना पड़ेगा पैदल पैदल चल के, वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। और यहाँ पर आप टिकट लेंगे तो उसके बाद लिफ्ट में बैठेंगे। उधर से टिकट लेनी है भाई, पहले टिकट तो लेनी होगी। टिकट ले ली? ले ली ले ली। टिकट ले ली है? तुम बहुत लंबे हो और साथ में आगे 7 रुपीज़ नहीं 10 रुपीज़ पर पर्सन। चिल्ड्रंस एंड अबाउट 3 इयर्स
फुल टिकट सीनियर सिटीजन के लिए डिस्काउंट है 7 रुपीज़। ये लिफ्ट के लिए वेट हो रही है। लो जी आ गए मॉल रोड, फाइनली मॉल रोड पहुंच गए। बढ़िया बढ़िया शॉप्स हैं, किसी को कपड़े लेने हैं कपड़े ले सकते हैं, खाने पीने के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों को ले आओ बस, उसके बाद तो उनको ही छोड़ दो, फरमाइशें पूरी नहीं होंगी जी, इतना आइटम है। ये देखो आ गए हम शिमला चर्च। यहाँ से जाखू मंदिर जाने के लिए रास्ता है, टैक्सी भी चलती है यहाँ से। हनुमान जी का मंदिर है बहुत बढ़िया, और उस मंदिर की खासियत ये है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने अपना पैर रखा था। कितना प्यारा हमारा तिरंगा झंडा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये दिखाते हैं हम आपको, ये देख के कुछ याद आ रहा होगा आपको, थ्री इडियट्स मूवी के अंदर जो शूटिंग हुई थी, जहाँ वो शिमला आए थे और शिमला आके थोड़ी देर के लिए रुके थे, वो यही व्यू था, यहीं पे शूटिंग हुई थी। ऊपर चढ़ के पूरा शिमला का व्यू आता, बहुत बढ़िया। सो फ्रेंड्स आ गए हम होटल कैफे शिमला टाइम्स, यहाँ पर का बहुत फेमस पीछे कैफे है और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ से पूरा शिमला नज़र आता है। आज फॉग की वजह से थोड़ा क्लैरिटी कम है। खाना ऑर्डर कर दिया हमने, अभी थोड़ी देर में खाना आ जाएगा। ओपन व्यू भी है यहाँ पे और कवर्ड भी है, यहाँ से पूरा शिमला दिखाई देता है।